आप राइट साइड पे देखें, ब्लैक कलर का गेट है। जी ठीक है, ब्लैक कलर का गेट है, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? शेख हाउस की बहू और यहाँ कहाँ गए वो ठाट बाट, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन गाड़ियों में बैठा हुआ शख्स और उसके वफा के वादे। अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने गुमराही के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। तुम अपने फिक्र करो हरीम बीबी, ससुराल से बेइज्जत करके निकाल दी गई हो, अब लोगों को वजाहतें देती फिरो ये तलाक क्यों हुई, फिर अपनी पाक दामनी की, फिर अपनी पाकीजगी की, अब कोई यकीन नहीं करेगा, बिल्कुल फाइज की तरह। मुझे किसी को अपनी बेगुनाह पाकीजगी का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है सर। मैं जो हूँ, जहाँ हूँ और आइंदा जिस मुकाम पर होंगी, अपने किरदार और अपने अमाल से पहचाने जाऊंगी, तुम जैसे झूठे और शैतानों के कहे से नहीं। मैं अपने किरदार की गवाही आप। इसीलिए ऐसे सख्त मौसम में अकेली कड़कती धूप में घूम रही हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारा साया भी तुम्हारे साथ नहीं है, बिल्कुल बेसहारा हो। सहारे की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। मेरी रूह पर लगे जख्म भरने के लिए मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मगर तुम तो अपने लगे जख्म के लिए दुआ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि दुआ मांगने के लिए सच्चाई और पाकीजगी का होना जरूरी होता है। किस मुंह से जाओगे अपने रब के सामने? हेलो, जी जी एक मिनट। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, मारा तो वो हाल करूंगा हरीम बीबी के, न जिंदों में रहोगी और न मर्दों में। चल बैठ जा यार, अस्पताल जाना है या नहीं? पुरानी महबूबा क्या नजर आ गई, सारा दर्द वर्द भूल गया तू तो, चल बैठ। यही तो बात है, न भूलता हूँ न भूलने देता हूँ। जी मामी, आपने बुलाया। रायान, फाइज की बदतमीजी और सरकशी क्या काफी नहीं थी जो तुम भी वही जबान बोलने लगे हो? क्या मतलब? I don't understand, आप क्या कह रही हैं? मुझे ज्यादा वजाहतें देने की आदत नहीं है, इसलिए साफ अल्फाज में दो टोक तुम्हें पूछ रही हूं कि तुम्हारी बीवी आजकल किन हवाओं में उड़ रही है। उसके तो मिजाज नहीं मिल रहे, आंखें माथे पर रखी हुई है उसकी, बात इस तरह करती है जैसे कमान में से तीर निकल रहा हो। तुम्हारे डैडी की कभी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस अंदाज में बात करें जिस तरह वो कर रही है। मिसेस अनवारो के सामने जिस तरह से वो बोली है, वो मुझे पता क्या कह रही थी कि ये लड़की किसी पीछे बड़े खानदान की तो नहीं लगती, क्योंकि बात करने का अंदाज बहुत आमियाना है। मम्मी, मैं जिस फैमिली से हूं उससे आपकी या मिसेज अनवारुल हक की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मम्मी ने मुझे बताया एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। मम्मी माइंड योर टोन, मेरी बीवी से बात कर रही हैं आप।
वैसे भी मैं किसी अननेसेसरी ड्रामा में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हम कनाडा शिफ्ट होने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई बदगुमानियाँ और इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश मत करें, आप फेल होंगी। ये किस अंदाजे बात रखी गई है मुझसे, और तुम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर अस इन दिस कंट्री, और वैसे भी डैडी का बिजनेस तो वैसे ही एक डूबते जहाज की तरह, और तुम डूबते हुए जहाज को छोड़कर जाना चाहते हो किसी चूहे की तरह। ठीक है, आपने जो समझना आप समझ लें, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। डैडी से तो यह बात मैं पहले भी कर चुका हूं, अब मैं आपको भी बता रहा हूं, सोच लीजिएगा इस बारे में, और हां उम्मीद है कि मेरे बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालेंगे आप लोग। मैं जिस फैमिली से हूँ उसे आपकी या मिसेज अनवारुल हक की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मम्मी ने मुझे बताया एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है। बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। मम्मी माइंड योर टोन, मेरी बीवी से बात कर रही हैं। वैसे भी मैं किसी अननेसेसरी ड्रामा में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हम कनाडा शिफ्ट होने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई इख्तलाफात और बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश मत करें, आप फेल हो जाएंगे।